हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो अभी मन्नू के लिए खूब सारे गिफ्ट्स आए हैं, हमने भी फ्रेंड्स के बच्चों के लिए जैसे भेजे थे। क्या ये सुनो तो, क्या ये, क्या ये, व्हाट इज दिस? मिल्टन किंग्स पहुंचे हम क्रिसमस वाले दिन शाम को, और वहां पर सारे बच्चों को गिफ्ट्स मिले। तो खूब खुश हो गए सारे बच्चे। तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे यानी कि ट्यूसडे को हम निकले घूमने के लिए सब, और अभी हम गाड़ी में बैठे हैं। अभी जा रहे हैं हम पहले मिल्टन कीन्स रेलवे स्टेशन, वहाँ से हम लोग ट्रेन लेंगे और फिर हम जाएंगे लंदन। हम लोग इसी ईयर अगस्त में भी गए थे लंदन, तब मेरे पापा आए हुए थे। वो वाले ब्लॉग्स अगर आप इनके मिस कर गए हैं तो मैं लिंक उन सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ज़रूर देखना और एंड तक बने रहना। ये वाला ब्लॉग भी आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो ट्रेन आ गई है, सब लोग बैठ गए हैं। अराउंड 40 मिनट्स लगते हैं मिल्टन कीन्स से लंदन पहुंचने में, तो तब तक हम पहुंचते हैं। और आप सुनो, एक कल शाम को हमारे एक फ्रेंड ने स्टोरी सुनाई थी, ये मुजफ्फरनगर से ही है, हमारा सारा ग्रुप ज़्यादातर यूपी के हैं बेसिकली। हमने सोचा अपनी जन्म कुंडली दिखाना है, हम माने हुए जोशी जी के पास पहुंचे। जोशी जी ने हमारी कुंडली देखकर बोला, भाई दीप्ते ये जब तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा, तीसरी ये जब शनि की दृष्टि सूर्य पे पड़ेगी तुम्हारी 50 लाख की लॉटरी निकलेगी। हम घर आ गए, जैसा पंडित जी ने कहा ऐसा ही हुआ, विवाह हुआ, पुत्र हुआ, 50 लाख की लॉटरी निकली। हम बड़े खुश। माता जी ने बोला, जो पंडित जी ने बोला सब हुआ, जाओ आगे भी पूछ के आओ कि आगे का कैसा चलेगा। हम गए, हमने पंडित जी का दरवाजा खटखटाया, अंदर से उनका नौकर रसीम बिहारी आ रहा है। हमने कहा पंडित जी से मिल रहे हैं, अरे पंडित जी तान छान कर अपनी कुंडली देख रहे हैं, हम आने वाले को टाल रहे हैं। मैंने उसके हाथ में 500 का नोट थमाया, सीधे पंडित जी के पास आया। पंडित जी आपने जैसा कहा था ऐसा ही हुआ, अब आगे बताइए। पंडित जी अपनी कुंडली देख रहा था, आप तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। हम अपने घर आ गए, शाम तक ठीक ठाक घूम रहे थे। फिर मैं पंडित जी के पास गया, पंडित जी मुझे एक राशन की दुकान पर मिल गया। मैंने कहा पंडित जी मैं तो ठीक हूँ, अभी तक तो एक्सीडेंट ही नहीं हुआ। पंडित जी ने मुझे देखकर स्कूटर मेरी, तो पंडित जी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। तो जब वो ठीक होते हैं तो तब वो बताते हैं कि भाई उस दिन मैंने पी ली थी थोड़ी, तो गलती से मैंने तुम्हारी कुंडली देखने की बजाय अपनी देख के तुम्हें बता दी थी। तो कुछ ऐसी थी स्टोरी का एंड। और बस अब मैनी का फर्स्ट टाइम ये ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है, तो खुश भी है और थोड़ा सा भी इसको ये लग रहा है, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से चल रही है ट्रेन, तो इसको लग रहा है ओह सब भाग से रहा है कुछ। तो पूरे ध्यान से देख रहा है। तब अभी मन चुपचाप बाहर देख रहा है, और ये देखो ये भी खुश हो रही है खूब। तो सारे बच्चे वही है, बच्चों को तो ट्रेन का वैसे भी बहुत होता है, हमें भी होता था जब हम लोग ट्रैवल करते थे ट्रेन में, यहाँ पर ट्रेन से जाएंगे। अभी मन्नू सो गया है और अब मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का थोड़ा नज़ारा। तो कुछ इस तरह का था बीच बीच में रास्ते में। अब फिर हम ये पहुँच गए हैं लंदन, तो पहले हम ट्यूब स्टेशन पहुँचे अभी, तो ट्यूब से हम जाएंगे आगे। तो जुबली लाइन जो है उससे हम होते हुए गए, ये है बिग बैन, बिग बैन पहुँचे हम लोग। फिर उसके बाद वहीं पर ही है लंदन आई, खूब भीड़ भाड़ थी यहाँ पर। वैसे भी कभी भी आ जाओ, थोड़ा यहाँ रहती ही है क्योंकि प्लेस टूरिस्ट प्लेस और फेमस बहुत है लंदन, तो वैसे भी तो सेंट्रल लंदन हमेशा भीड़ रहती ही है। आजकल यहाँ पर क्रिसमस है तो सबकी छुट्टियाँ भी, और क्रिसमस पे यहाँ डेकोरेशन बहुत ही सुंदर होती है लंदन में, फेमस है सेंट्रल लंदन की वो। तो बस वो भी सब देखने आते हैं, और ये हमने की है खूब सारी पिक्चर्स क्लिक। बच्चे हमारे सब स्ट्रोलर में, पुशियर में जो भी है बैठे हैं। इवनिंग का टाइम है, हल्का हल्का सा अंधेरा स्टार्ट हो गया हो ना, और अभी तक तो बारिश नहीं थी, बट धीरे धीरे फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़े बारिश भी स्टार्ट हो गई थी खूब। इसके बाद ये हम पहुँचे ट्रफलगर स्क्वायर, और इन सब के बारे में आपको अगर एक्सप्लेन और अच्छे से मैंने उन वीडियोज़ में बताया था, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था, मैं लिंक उन सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी,
तो ये सब लाइट्स है, हर स्ट्रीट पर अलग अलग लाइट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, और बहुत ही सुंदर रहता है इस बार इस टाइम पर। पहले भी गए थे वो अलग था, मैंने आपको जब बताया था, बहुत ही सुंदर है ये। अगर आप जा सकते हो तो ज़रूर जाके देखना, अच्छा लगता है, एक अलग ही है। हम भी फर्स्ट टाइम गए थे क्रिसमस के टाइम पर, बहुत ही सुंदर लाइट्स लगी होती है, तो एक्चुअल फील आपको क्रिसमस की आती है। हमें तो बहुत ही अच्छा लगा जाकर यहाँ पर। और इसके साथ ही साथ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, अच्छा लगता है, ज़्यादा लोग जुड़ते हैं तो फिर अब हम आगे की तरफ बढ़े। थोड़ी थोड़ी बीच में पिक्चर्स क्लिक करी, अभी बच्चे सो रहे हैं हमारे जो दो छोटे हैं, तो हमें थोड़ा सा आराम रहा। ये सारी जो अभी आप लाइट्स देख रहे हैं ये रीजेंट स्ट्रीट पर हैं, और वो काफ़ी लंबी स्ट्रीट है और उस पर ये सारी इस तरह से लाइट्स लगी हुई हैं। बीच में हम ये गए थे हैम्बलीज टॉय स्टोर, वही बच्चों वाला वो है, और फिर इसके बाद ये पहुँचे हम ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, तो इस पर अलग तरह की लाइट है, अलग तरह से कुछ डेकोरेशन हो रखी है क्रिसमस के लिए। अब घूमते घूमते काफ़ी लंबा घूम लिए हम, सबको भूख भी लग रही है, तब हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट, तो पहले से हमने रिजर्व करा रखी है टेबल। तो हम आए हैं डिशुम जो कारनेबी में है, और यहाँ पर भी अच्छी सी डेकोरेशन हो रखी है इस तरह से। अब हम पहुँच गए हैं डिशुम, तो फिर हमने खाना पीना खाया सबने आराम से, तो पेट पूजा करने के बाद में हम सब पहुँचे ट्यूब स्टेशन, ट्यूब स्टेशन से ट्रेन ली, ट्रेन से फिर बिल्टन कीन्स आए, और फिर बस वहाँ से हम तुरंत निकल गए थे मैं और प्रतीक घर के लिए शेफील्ड के लिए। तो इसी के साथ मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड, और आप सब भी अपना ध्यान रखें, खुश रहे, बाय।